नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक पे। मैं रटलो श्रृंखला से अलग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करंट तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें करंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिससे भी कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में छूटे ना। मैं इतनी जानकारियां यहाँ पे समाहित कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा ना हो, आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और इतना कम भी ना हो कि कोई प्रश्न आपके रीच से बाहर हो जाए। इसी क्रम में कुछ वीडियोज मैंने आपको दिए हैं और उसी क्रम का ही अगला वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। बाकी रटलो श्रृंखला जैसे आपको पसंद है, जैसे वो चलती है, वो वैसे नित्य चलती रहेगी। रटलो श्रृंखला में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं है, ये उससे अतिरिक्त है आप सभी लोगों के लिए। आज की महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख सम्मेलन आपके आयोजित हुए हैं उन सम्मेलनों के बारे में, और जो ऑपरेशन और युद्धाभ्यास हुए हैं अलग अलग देशों के मध्य, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बातचीत आज हमारी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को 10 से 12 13 मिनट में खत्म करूं ताकि आपके ऊपर कुछ ज्यादा बर्डन भी ना रहे और चीजों को आप आसानी से तैयार कर सके। शुरुआत करने से पहले मैं संस्था से संबंधित कुछ जानकारियां आप लोगों को प्रदान कर दूं, जो कि एक रूटीन है ना। आप सभी लोग जान रहे हैं कि संस्था अलग अलग तरीके से बैच संचालित करती रहती है और इसी क्रम में संस्था में दो बैच इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं। यूपीपीसीएस का नया बैच आपका प्रारंभ है, प्रारंभ होने को है, कुछ कक्षाएं होनी शुरू हो गई हैं और बैच अभी यहां पे, तो आप इस बैच में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है यूपीपीसीएस के लिए, इस पर आपको एंट्री पीसीएस लिखकर भेजना है। और ये एस्टेट का बैच आपका बहुत बढ़िया से संचालित हो रहा है, इस नंबर पर आप एंट्री एस्टेट लिखकर भेज दीजिए तो आप एस्टेट में प्रवेश ले सकते हैं। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है अच्छे से चीजों को करने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको उपलब्ध कराने के लिए। नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहा है उन स्क्रॉलिंग में भी आप उन नंबर पर भी आप फोन करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आइए इसी बातचीत के साथ हम लोग आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं, आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सम्मेलन एवं ऑपरेशन, मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ूंगा और जो है आप देखिएगा। पहला है G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 2019। देखिए है ना, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जापान के फुफुओ का में, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि G20 के वित्त मंत्रियों केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहां किया गया, तो जापान के फुफुओका में किया गया। श्रीमती निर्मला सीतारमण यहां पर भारत की तरफ से उपस्थित रही। 8 और 9 जून 2019 के दौरान G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक और इससे संबंधित कार्यक्रमों में भाग लिया। आइए अगला है आपका नाटो का शिखर सम्मेलन, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। वाटफर्ड यूनाइटेड किंगडम में संपन्न हुआ। 30वां सदस्य जो देश था वो मैसिडोनिया था। 30वां सदस्य कौन सा था? मैसिडोनिया था। जल्दी से पढ़ते चलिए ब्रीफ में ताकि ज्यादा चीजें आपको पता रहे और ज्यादा वर्णन भाषा का आपके ऊपर ना रहे। बजट 2020-21 इसका आयोजन क्या हुआ? लोकसभा नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसकी थीम आपके लिए जरूरी है। इस बजट की थीम थी जीवन यापन में आसानी, इजी ऑफ लिविंग है ना। नई दिल्ली लोकसभा में आयोजित और जीवन यापन में आसानी, इजी ऑफ लिविंग, ये भी एक सम्मेलन और समारोह की तरह ही था, ये भी एक आयोजन था जिसकी थीम है, तो मैंने यहीं पर इसको लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता ही सेवा अभियान। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 मथुरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। थीम थी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इसकी थीम थी। अगले चलते हैं, 31वां एपेक सम्मेलन चिली में आयोजित है ना, चिली में आयोजित होना था लेकिन चिली में आंतरिक विद्रोह के कारण स्थगित हो गया। अब अगला जो सम्मेलन होगा वो दिसंबर 2020 में मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। चिली में इस समय जितने भी आयोजन उस तरफ होने थे वो सभी वहां पर आंतरिक विद्रोह के कारण आपके स्थगित कर दिए गए। वहां पर इसमें भी एक है और एक का डिटेल आगे भी आएगा, क्लियर। तो आंतरिक और अगला 31वां एपेक अगला कहां पर होगा? अगला सम्मेलन दिसंबर 2020 में मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। आइए COP25 25वां सम्मेलन 2019 संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ, क्लियर। और COP26 का जो आयोजन किया जाएगा वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। तो 25वां सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ? स्पेन, मैड्रिड में, स्पेन में आयोजित हुआ। और 26वां जो आयोजित होगा वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। आइए अगला है आपका
14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019, क्लियर। तो देखिए 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 जापान के ओसाका शहर में 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में G20 के सभी सदस्य राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत आर्थिक समृद्धि हासिल करने हेतु सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आइए 29वां आबूधाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है ना, तो 24 से 30 अप्रैल 2019 के मध्य अभी संयुक्त अरब अमीरात में आबूधाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। इस मेले में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में शामिल हुआ। यह भारत के लिए गर्व की बात है। भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मजबूत संबंधों का परिचायक है। आइए आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एवं किम जोंग उन के मध्य दूसरी बैठक कहां पर हुई, तो यह 27 और 28 फरवरी 2019 को हनोई वियतनाम में दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। 19वां शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2019 है ना, बिम्स्टेक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ, बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ। 20वां सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया जाएगा 2020 में। 18वां गुटनिरपेक्ष नैम शिखर सम्मेलन 2019 वाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ। स्थापना इसकी 11 सितंबर 1961 को हुई थी और वर्तमान में इसके 12 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 12 सदस्य देश वर्तमान में इसके हैं। आइए विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। 34 से 35वां आसियान शिखर सम्मेलन 2019 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। आगे बात करते हैं। 13वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सिंगापुर में संपन्न हुआ। कहां पर संपन्न हुआ? सिंगापुर में। इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही जानें कि सिंगापुर में आयोजन हुआ। नोट्स की एक बार आप रीडिंग इसकी जरूर कर लीजिएगा। आइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ब्रिक्स 2019 ब्राजीलिया में आयोजित। थीम एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 शारजहां में आयोजित हुआ। थीम थी ओपन बुक्स ओपन माइंड्स। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन 2019 ब्राजील में हुआ। अभी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। 12वां भी रूस में हुआ। 25वां चोगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन, चोगम सम्मेलन अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो 25वां चोगम सम्मेलन लंदन यूके में आयोजित किया गया। 26वां चोगम सम्मेलन रवांडा में होगा और 27वां कहां होगा? समोआ में होगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अंबुबाची मेला 22 से 26 जून 2019 को असम राज्य के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में मनाया गया। यह मंदिर गुवाहाटी से लगभग 9 किलोमीटर की दूर नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। G20 शिखर सम्मेलन ओसाका में आयोजित। थी मानव केंद्रित भावी समाज। 16वें एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन का जो है जो प्रसारण से आदि से संबंधित जो विचार विमर्श करने के लिए कंबोडिया के सीएमसी प्रांत में 16वें एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ना, कंबोडिया के सीएम रीप प्रांत में है ना। तो ये कहां आयोजित हुआ? कंबोडिया में आयोजित हुआ, ध्यान दीजिएगा। थर्ड रिकैप सम्मेलन RCEP सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। इसमें भारत से सभी 16 देशों में मुक्त व्यापार समझौता समर्थन के विरुद्ध रहा। चौथा सम्मेलन जो होगा वो कहां होगा? वियतनाम में होगा। ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसमें क्या लिखा है। इस सम्मेलन में भारत सभी 16 देशों में मुक्त व्यापार समझौता RCEP के समर्थन के विरुद्ध रहा। क्लियर। 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019 वियारित्ज फ्रांस में संपन्न। 46वां सम्मेलन USA में आयोजित होना है। 14वां ईस्ट एशिया समिट, 16वां आसियान इंडिया समिट बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित। अगला सम्मेलन वियतनाम में होगा। विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम थी गांधी द राइटर्स राइटर। डेफ एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ 2020 में, हम सभी लोग जानते हैं, और इसका अभी जो है उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। क्लियर, लखनऊ में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। सैन्य अभ्यास, देखिए मिलन 2020 किस किस के बीच हुआ है ना,
बहुपक्षीय देशों के बीच मिलन 2020 नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। सिलनेक्स 2019 भारत और श्रीलंका के मध्य, किसके किसके मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। देखते चलिए, सूरज किरण का 14वां संस्करण भारत और नेपाल के मध्य। हाँ, सिटमैक्स SITMEX भारत और सिंगापुर के मध्य, थाईलैंड के बीच, भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच, नौसेना से संबंधित था। एक बार रीडिंग करनी है। प्रबल दोस्ती थर्ड कहां पे, भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ। मालाबार भारत जापान और अमेरिका के बीच था। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच था। जायर अल बहर भारत और कतर के बीच था। काजिंद 2019 भारत और कजाकिस्तान के मध्य था। गरुड़ 6 भारत और फ्रांस के मध्य था। ऑपरेशन थर्स्ट, हम सभी लोग जानते हैं, रेलवे परिसर में अधिकृत मद्यपादी की बोतल की बिक्री पर रोक लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया देशव्यापी अभियान है। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले भारतीय ध्वजवाहक जहाजों की सुरक्षा हेतु चलाया गया कौन सा संकल्प, तो यह भारतीय सेना का है और ऑपरेशन थर्स्ट भारतीय रेलवे का है। 10 तिलक 2019 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। ऑपरेशन सनराइज 2 मणिपुर नागालैंड और असम में सक्रिय कई आतंकवादी समूहों को खत्म करने के उद्देश्य से भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा चलाया गया एक समन्वित अभियान। भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा मणिपुर नागालैंड और असम में सक्रिय कई आतंकवादी समूहों को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया गया अभियान है। सहयोग कैजिन भारत और जापान के मध्य। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य। ऑसिन डेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना में विशाखापत्तनम में। तो यहां पर हम लोगों ने जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सम्मेलन और आपके युद्धाभ्यास हुए हैं इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। यहां से निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि 2 प्रश्न आपको यहां से मिले। आप सभी लोगों को आने वाले त्यौहार होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज से जो भी एपिसोड जाएगा उसमें मैं होली की शुभकामनाएं आपसे प्रेषित रहूंगा। आप एक सुरक्षित, सुंदर और अच्छी होली खेलें, सुरक्षित होली खेलें, प्रेम की होली खेलें, है ना। पर्यावरण को बचाए रखें और अच्छे से प्रेम पूर्वक अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलें और अच्छे से आगे बढ़ें। यही हमारी आपके लिए शुभकामना है।